नमस्कार, शाहजी गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके फल के पौधों में फूल या फल नहीं बनता, और बनता है तो सूख के नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारी समस्याओं पर चर्चा करूंगा और किन तरीकों से एवं किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने किसी भी फलदार पौधा, चाहे वो अमरूद का हो, अनार का हो, चीकू का हो या नींबू का हो, के छोटे से पेड़ में ही ज़्यादा और बड़े आकार का फल ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा अमरूद का पौधा। ये अभी 7 से 8 फुट का है और 8 महीने पुराना पेड़ है, और आप देख सकते हैं इसमें कितने बड़े और ढेर सारी मात्रा में अमरूद आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही फल अपने फलदार पौधों से लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, पौधे की ग्रोथ और उसके फूल फल देने की क्षमता उसकी मिट्टी पर निर्भर करता है, और जब आपने अपना पौधा गमले में लगाया हो फिर तो मिट्टी का अच्छा और उपजाऊ होना बेहद ज़रूरी है। मैंने अपने चैनल पे ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने मिट्टी बनाने पे चर्चा की है, तो आप चैनल पे जा कर के वो वीडियोस भी देख सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप अपने गमले में लगे या ज़मीन में लगे पौधे दोनों में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक दिन पहले अपने पौधे पे अच्छे से पानी देना है। इसके 2 दिन बाद आपको अपने पौधे की जो मिट्टी या गमले में लगाया है उसकी 3 इंच गुड़ाई करनी है। ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से अपने पौधे की 2 से 3 इंच की गुड़ाई कर देनी है, सबसे पहले जो आपने मिट्टी में लगाया है या अपने गमले में लगाया है, अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। और दोस्तों, जब आप अपने पौधे की 2 से 3 इंच गहरी गुड़ाई कर दें मिट्टी की, जो आपने गमले में या ज़मीन में लगाया है, तो इसके बाद आपको अपने पौधे को पूरे 1 दिन की तेज़ धूप लगने देना है। ये सब करने के बाद दोस्तों, आपको लेना है मस्टर्ड केक, जिसको सरसों की खली कहा जाता है। ये आपको किसी भी मील, पंसारी या राशन की दुकान पे 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जब आप ये ले लें तो इसको अपने ग्राइंडर में अच्छे तरीके से भुरभुरा करके पीस लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने मस्टर्ड केक को अच्छे तरीके से पीस लिया है भुरभुरा करके। अब इसको पीसने के बाद आपको ये अपने गमले के हिसाब से लेना है। यदि आपका गमला 18 इंच का है तो 150 ग्राम से 200 ग्राम सरसों की खली का उपयोग करें। अब जो सरसों खली हमने पीसी है उसको अपने पौधे में इस तरीके से चारों तरफ फैला दीजिए, अच्छे तरीके से पूरे गमले में चारों तरफ या मिट्टी में चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसका आपके पौधों पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से अपनी पूरी मिट्टी में फैला दीजिए। दोस्तों, अगर स्वस्थ और रोग मुक्त रहना है तो ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। और दोस्तों, जब आप ऐसा कर लें, इसके बाद जो मिट्टी आपने हटाई थी गुड़ाई करके, उस मिट्टी से इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से कवर कर दीजिए, ताकि जब आप इस पर पानी डालें तो ये बहे ना और आपके पौधों की जड़ में अच्छे तरीके से घुल सके। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने सारे पौधे में कोई भी फल का हो, फूल का हो या सब्जी का पौधा हो, सरसों खली का यूज़ कीजिए। गोबर की खाद से भी कई ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी खाइए, फल खाइए। और दोस्तों, जब आप सारी मिट्टी को इस तरीके से इस पर कवर कर देंगे, उसके बाद आपको इस पर पहली बार की जो वाटरिंग करनी है
वो कम करनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आज आपने इस पे ये सरसों खली दी है तो कल इस पे पानी दीजिए, ये और भी ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि हमारे पौधे को जो सरसों खली हमने डाली है उसमें मिट्टी में सरसों खली को घुलने का समय मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी फलदार पौधे में, फूल के पौधों में या सब्जियों के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।